Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I have taken up a lesson of English from class 7, unit 2, 2.6, Chasing the Sea Monster. Now this chapter is adapted from 20,000 Leagues Under the Sea by Jules Verne, who is a French writer. He is also known as the father of science fiction. He wrote about rockets, space travel and submarines when such things were unknown. In this passage from his novel, yani usne ek jo novel likhi hai, usme se ek part hai ye chapter. So from this passage from his novel 20,000 Leagues Under the Sea, he describes how people on a ship think of the submarine as an animal and try to chase and hunt it. तो ये जो ऑथर है वो जस्ट बताता है कि उस वक्त पहले जब लोगों को पता नहीं था मैक्सिमम सबमरीन्स वगैरह के बारे में, तो उस वक्त कैसे सबमरीन को एक एनिमल समझ के उसका पीछा कर रहे थे या उसको मारने पे तुले थे. तो ये ऐसा ही एक चैप्टर है, बहुत ही फनी है, एट द एंड बहुत ही फनी लगेगा ये. तो लेट्स स्टडी, ये साइंस फिक्शन पे बेस्ड है ये चैप्टर, सो लेट्स स्टडी दिस. आवर फ्रिगेट वॉन्टेड टू गो बैक बट द अनअर्थली एनिमल came at us with a speed double our own. We gasped, more stunned than afraid. We stood mute and motionless. यानि कि ये जो है narrator जो है, यहाँ पे narrator का नाम है Professor Aronnax, that will come while we will read the chapter. So he is talking the entire like this, the entire passages as if he is narrating. तो he is talking like कि उनका जो frigate था, it wanted to go back. Frigate means a small speedy ship which are normally used in wars. We have the meanings over here. Frigate is small speedy ship used in war. So when this animal, मतलब ये frigate ने जब देखा कि कोई एक unearthly animal, unearthly means जो आपको earth पे जल्दी से पाया नहीं जाता है, right? Something which is strange for the people on the earth. So ऐसा ही एक unearthly animal, यानी जिसे कभी पहले देखा नहीं था, इट केम एट अस विथ अ डबल स्पीड आर ओन, वो हमारे डबल स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था. वी गैस्प्ड, हम एकदम भौचक्के रह गए. वी गैस्प्ड, मोर स्टंड देन अफ्रेड. वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, हम डरे हुए नहीं थे लेकिन शॉक थे और हम चुपचाप खड़े थे. म्यूट, चुपचाप, एंड मोशनलेस, बिना हिले डुले हम वहाँ खड़े थे. द एनिमल कॉट अप विथ अस, प्लेड विथ अस. It made a full circle around the frigate and wrapped us in sheets of electricity that were like luminous dust. At any instant, it could have dashed against our ship. अब ये जो एनिमल है वो जो है वो हमारा पीछा करता है, हमारे साथ खेलता है, पूरा पूरा सर्कल बना के घूमता है और हमको, जैसे वो जब सर्कल बनाता है तो एक वेव्स जो क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक, मानो इलेक्ट्रिक करंट के वेव्स क्रिएट हो रहे हो जब वो सर्कल में घूमता है तब. तो और ल्यूमिनस डस्ट, ऐसा डस्ट जो थोड़ा लाइटनिंग वाला हो. डस्ट हमें पता है धूल किस तरह से उड़ती है एटमॉस्फेयर में, तो ल्यूमिनस डस्ट मतलब वो डस्ट जो है थोड़ा शाइन करने वाला डस्ट है. और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल ये जो एनिमल है ये हमारे शिप को टकरा सकती है, ये हमारे शिप को चोट पहुँचा सकती है. So meanwhile I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. तो ये जो प्रोफेसर Aronnax है ये कह रहे थे कि मैं सरप्राइज था देखने के लिए कि हमारा वॉरशिप जो है लड़ने की बजाय भाग रहा था. तो मैंने कमेंट किया, आई कमेंटेड दिस टू कमांडर Farragut. मैंने कमेंट किया, जो शिप का जो कमांडर था, जिनके हाथ में मेन जो कमांड रहती है, Farragut. तो उनका जो हिज फेस ऑर्डिनरली सो इमोशनलेस शोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट. ऑर्डिनरली नॉर्मली देखा जाए तो उनके फेस पे कभी इमोशंस आते नहीं है कमांडर Farragut पे, लेकिन आज उन्होंने बहुत एस्टोनिशमेंट, जैसे बहुत सरप्राइजिंग थिंग उन्होंने बताई है, ऐसी बात कुछ कही है, मानो ऐसा एक्सप्रेशन वो अपने फेस पर लेकर आ गए थे. तो प्रोफेसर Aronnax, उन्होंने आंसर किया कमांडर Farragut ने, ही आंसर्ड मी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अप अगेंस्ट. And I don't want my frigate running foolish risks in all this darkness. Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? Let's wait for daylight and then we'll play a different role. तो वो कहते हैं प्रोफेसर Aronnax को कि देखो ये क्रिएचर कौन है, फियरसम क्रिएचर, डरावना क्रिएचर कौन है मुझे पता नहीं,
मतलब हमें किसका सामना करना पड़ रहा है, आई डोंट नो। और मैं नहीं चाहता कि इतनी रात को हमारा फ्रिगेट जो है कुछ भी रिस्क उठाए, कोई भी रिस्क जो बेवकूफ़ी भरा काम हो सकता है इतने अंधेरे में, ऐसा कुछ भी करे। और इसीलिए मैं इस वक्त अभी उस क्रिएचर को कैसे अटैक करना है वो भी मैं नहीं बता सकता हूँ, और ना ही हम अपने आप को डिफेंड कैसे करें वो भी मुझे पता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, डे लाइट का वेट करना चाहिए और फिर बाद में हम एक डिफरेंट रोल प्ले करेंगे, फिर हम उससे लड़ेंगे। और पूरी रात जो है द होल क्र्यू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात जो है क्र्यू मीन्स जो शिप के मेंबर्स होते हैं, पीपल वर्किंग ऑन द शिप, उसको हम क्र्यू कहते हैं। सो द होल क्र्यू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग, मतलब वो ये सब के सब खड़े थे एकदम और अलर्ट थे सब के सब। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग, किसी ने सोने का ज़रा सा सोने का भी नहीं सोचा। अनएबल टू कम्पीट विद द मॉन्स्टर स्पीड आर फ्रिगेट द अब्राहम लिंकन स्लोड डाउन। अब ये जो मॉन्स्टर का जो स्पीड था उस स्पीड से तो हम भाग नहीं पा रहे थे, तो हम उसके स्पीड को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमारा जो फ्रिगेट था, और इस फ्रिगेट का नाम बताया गया है द अब्राहम लिंकन, फ्रिगेट का नाम था अब्राहम लिंकन, तो वो स्लो हो गया क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था, उतना स्पीड से नहीं जा पा रहा था जितना स्पीड से वो एनिमल आ रहा था। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल। और एनिमल क्या कर रहा था अपनी तरफ से, वो हमारा कॉपी कर रहा था, फ्रिगेट का कॉपी कर रहा था। मतलब फ्रिगेट अगर फास्ट भाग रहा है तो ये भी फास्ट भाग रहा है एनिमल, फ्रिगेट अगर स्लो डाउन हो रहा है तो एनिमल भी स्लो डाउन हो रहा है। मतलब वेव्स के साथ में चल रहा था लेकिन उसने फील्ड छोड़ा नहीं, मतलब ये जो लड़ाई का जंग है उसने छोड़ा नहीं। हाउएवर नियर मिड नाइट इट डिसअपीयर्ड, लेकिन जो मिड नाइट यानी 12 बजे के करीब वो गायब हो गया, है ना। नियर मिड नाइट यानी करीब करीब वो टाइम पे, मिड नाइट यानी रात के 12 बजे के करीब, इट डिसअपीयर्ड मतलब वो एनिमल जो है एकदम से गायब हो गया। और टू यूज़ अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इट वेंट आउट, या फिर एक ज़्यादा बेटर एक्सप्रेशन अगर यूज़ करें तो इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लो वॉर्म, जैसे ग्लो वॉर्म होते हैं चमकने वाले जानवर जो रात को अपना रोशनी फैलाते हैं, वैसे जैसे मानो वो जो चमक रहा था ग्लो वॉर्म के जैसे और अचानक से उसका रोशनी चला गया, मतलब ग्लो वॉर्म का रोशनी चला गया। तब हमें क्या लगा, हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस, क्या हमसे डर के भाग गया है। वी डिडंट नो एंड वर फिल्ड विथ फियर एंड होप एट द सेम टाइम, हमें कुछ पता नहीं था कि वो जानवर चला गया है या उधर ही है, डर भी लग रहा था और साथ में एक होप भी था कि शायद वो जानवर चला गया है। बट एट 12:53 अ डेफनिंग हिस कुड बी हर्ड रिजेम्बलिंग द साउंड मेड बाय अ वाटर स्पाउट एक्सपेल्ड विथ ट्रेमेंडियस इंटेंसिटी, मतलब 12 बजे के करीब करीब तो वो ग्लो वॉर्म चला गया था, गायब हो गया था, तो हमें डर लगा कि शायद वो चला गया है, हमें ऐसे लगा। लेकिन जैसे ही 12:53 हुआ मॉर्निंग का, मतलब 12:53 रात को, अ डेफनिंग हिस कुड बी हर्ड, एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई हमें जो कान बहरे कर दे इतना ज़ोर से, डेफनिंग हिस कुड बी हर्ड रिसेम्बलिंग द साउंड मेड बाय अ वाटर स्पाउट एक्सपेल्ड विथ ट्रेमेंडियस इंटेंसिटी, बिल्कुल जैसा पानी का फव्वारा कैसे नीचे से छूटता है या ऊपर से कोई पानी का स्ट्रीम आता है, तो वाटर स्पाउट, तो वो वाटर स्पाउट के जैसा आवाज़, ज़ोर से आवाज़ उसका आ रहा था और ट्रेमेंडियस इंटेंसिटी, स्पीड भी बहुत था वो पानी का। बाय देन कमांडर फेरेगट नेड लैंड एंड आई वर ऑन द आफ्टर डेक पियरिंग ईगरली इन टू द डार्कनेस, और बाय देन मतलब जब तक ये हमने देखा 12:53 को जब ये लाइट आया, तो कमांडर फेरेगट यानी जो शिप के कमांडर थे नेडलैंड और ये ऑथर, ये सब के सब पहुँचे आफ्टर डेक पे। आफ्टर डेक क्या होता है, ये शिप जो होता है ना, शिप के बैक का ओपन स्पेस, शिप के बैक में कुछ ओपन स्पेस होता है, ओपन डेक एरिया कहते हैं जिसे हम, जहाँ पर हम वॉक कर सकते हैं या बैठ सकते हैं, तो ये सब के सब वहाँ आ गए। एंड दे वर ऑन द आफ्टर डेक पियरिंग ईगरली इन टू द डार्कनेस, और अंधेरे की ओर देख रहे हैं क्योंकि पूरा अंधेरा था रात को, तो ईगरली देख रहे थे अंधेरे में कि क्या उनको दिखाई दे रहा है। तो जो आवाज़ उन्होंने सुनी थी उस आवाज़ के बेसिस पर वो लोग बात कर रहे थे। टेल मी नेड लैंड इज़न्ट दैट नॉइज सेटेशियंस मेक वेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स, तो नेडलैंड ये जो है नेडलैंड को पूछते हैं कि चलो मुझे बताओ क्या ये जो नॉइज़ था ये सेटेशियंस बनाते हैं, ऐसा आवाज़ था ना जो अपने ब्लो होल से वो लोग फेंकते हैं। नाउ व्हाट आर सेटेशियंस, सेटेशियंस आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ व्हेल, वो भी व्हेल्स होते हैं।
तो नेटलैंड से यही पूछते हैं कि जैसे व्हेल्स आवाज़ करते हैं और उनके ब्लो होल से वो लोग कैसे पानी ऊपर स्पर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वो आवाज़ था। तो नेटलैंड बोला, हाँ बिल्कुल वैसा ही नॉइज़ है, लेकिन ये थोड़ा उससे ज़्यादा जोर का नॉइज़ था। सो देर कैन बी नो मिस्टेक, देर इज़ डेफिनेटली अ व्हेल लर्किंग इन अवर वाटर्स। तो कोई भी गड़बड़ गलती नहीं है, ये पक्का एक व्हेल जो है यहाँ पे पानी में छुपी हुई है। लर्किंग मीन्स छुपा हुआ होना। नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग द कोर ऑफ द लाइट रीअपियर्ड। अब वापस से 2 बजे ये जो लाइट था वो एनिमल का, वो वापस से आ गया 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन, मतलब उनकी जो फ्रिगेट थी उससे कुछ 5 miles दूर ये अब्राहम लिंकन के पास में ये लाइट जो है वापस से दिखाई देने लगी, कुछ 5 miles फार। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट। तो सबके सब क्रू मेंबर्स अलर्ट थे, गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, सबके सब रेडी थे, मानो कि अभी एक्शन लेना है, उनको लड़ना है, लड़ने के लिए तैयार होना है। व्हेलिंग गियर वॉज सेटअप अलॉन्ग द रेलिंग्स। नाउ व्हेलिंग गियर मतलब एक इक्विपमेंट है जो हम व्हेल्स को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी रेलिंग्स के यानी कि बोट के शिप के किनारे किनारे पे सब तैयार कर दिए गए थे कि जैसे ही वो दिखे उसको हम ऑर्डर मिलने पर हम उनको अटैक कर सकें। आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बसेस विच कैन लॉन्च हारपून्स। उनके तो चीफ ऑफिसर थे, उन्होंने ब्लंडर बसेस लोड की है। अभी ब्लंडर बसेस एक टाइप के गन्स हैं। अभी जो गन्स होते हैं यहाँ पे और भी नाम दिए गए हैं, ब्लंडर बसेस हैं और भी नाम है, तो ये डक गन्स भी नाम दिया हुआ है। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ गन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नोजल, जो ऊपर जहाँ से शूट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, कुछ बड़ा होता है, कोई चौड़ा होता है, लंबा होता है, डिपेंड्स ऑन दैट। सो आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बसेस विच कैन लॉन्च हारपून्स। तो हारपून्स को लोड करने के लिए ब्लंडर बसेस उन्होंने लोड किया, गन को लोड किया, और उस गन से वो लोग रोप के जरिए एक मिसाइल टाइप, हारपून मीन्स एक मिसाइल टाइप छोड़ेंगे। एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स, और लंबे लंबे लॉन्ग डक गन्स जिनके नोजल बड़े हैं, मुंह जिनका जो सामने जो दिखता है ना पॉइंटर, वो लंबा होता है, इसलिए उनको लॉन्ग डक गन्स कहते हैं। विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स, और उसमें बुलेट्स थे जो फटाफट वो लोग एक्सप्लोड कर सके। एंड दैट कैन वुंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल। और ऐसे बुलेट्स थे कि जो एक मोस्ट पावरफुल एनिमल को भी चोट पहुंचा सकती है या उसको मार सकते हैं। एंड नेटलैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हारपून। तो जो मिसाइल था या जो एरोमार्क जैसा कुछ रहता है उनका हारपून, तो वो नेटलैंड जो है शार्पन कर रहा था उसको। एंड ही वॉज हैप्पी दैट ही इज़ डूइंग दिस थिंग, कि अभी उसका काम आने वाला है उसको एनिमल को मारने के लिए। एंड ही दैट वॉज अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड। एट 6 o'clock डे बिगेन टू ब्रेक, और सुबह 6 बजने दिन की शुरुआत हुई, जैसे रोशनी आने लगी मानो। एंड विद द डॉन्स अर्ली लाइट द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर्ड। और जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, जो एनिमल का इलेक्ट्रिक ग्लो था जो रात को उनको दिखाई दे रहा था, वो एकदम से डिसअपियर हो गया। एट 7 o'clock अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस। 7 o'clock को, 6 बजे तो वो ग्लो वर्म का लाइट चला गया, 7 o'clock को एक बहुत ही डेंस मिस्ट जो है उनके आसपास में स्प्रेड हो गई थी। फॉग आप बोल सकते हो, धुंध बोल सकते हो, वो पूरा उनके, क्योंकि वो लोग पानी में थे उस वक्त, तो पानी के ऊपर तो मोस्टली ठंडा रहता है क्लाइमेट, तो पूरा वो स्प्रेड था उन लोगों के आजू बाजू में। आवर बेस्ट स्पाई क्लासेस वर अनएबल टू पियर्स इट, द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। उनके जो बेस्ट स्पाई क्लासेस थे, स्पाई क्लासेस जो सीक्रेटली वो लोग नज़र रखने के लिए यूज़ करते हैं किसी पे, तो उनके जो बेस्ट स्पाई ग्लासेस थे वो भी उस जो मिस्ट को चीर नहीं पा रहे थे, उस मिस्ट के उस पार क्या है वो देख नहीं पा रहे थे। नतीजा क्या हुआ, सबके सब डिसअपॉइंट थे और गुस्से में थे। एट 8 o'clock द मिस्ट रोल्ड अवे। अभी 8 बजे तो है, मिस्ट ख़त्म हुआ, धीरे धीरे चला गया। एंड द होराइजन ग्रू वाइडर एंड क्लियरर, और जो नज़ारा दिख रहा था वो थोड़ा और वाइड हो गया और साफ हो गया। सडनली नेड लैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड, देयर इज द थिंग इन क्वेश्चन, एस्टर्न टू पोर्ट। सडनली एकदम से नेड लैंड का आवाज़ आया, अरे वो चीज़ वहाँ पर है, मतलब वो एनिमल को पॉइंट आउट कर रहा है, एस्टर्न टू पोर्ट। अभी एस्टर्न टू पोर्ट का मतलब है अलोंग द लेफ्ट हॉरिजोंटल साइड ऑफ अ शिप। हाँ, जो शिप का लेफ्ट हॉरिजोंटल साइड है, प्लेन पार्ट, वो पार्ट, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द फ्रंट टू इट्स रियर एंड, मतलब
आगे से लेके पीछे तक जो स्ट्रेच किया हुआ रहता है, फुल फ्लैट रहता है वैसा. तो दैट्स द थिंग इन क्वेश्चन. एस टर्न टू पोर्ट, सबको बोल रहा है कि चलो वहाँ चलो. एंड द हार्पूनर शाउटेड, नेड लैंड वॉज द हार्पूनर. एवरी आई लुक टूवर्ड्स द पॉइंट इंडिकेटेड, और जहाँ पर उसने नेड लैंड ने बताया सबके सब वहाँ देखने लग गए. देयर अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी इमर्ज्ड अ मीटर अबव द वेव्स. क्विवरिंग वायलेंटली इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करेंट. तो वहीं पर अ माइल एंड अ हाफ, मतलब एक डेढ़ माइल के आगे, फ्रिगेट से एक डेढ़ माइल के दूर पर एक लंबी सी ब्लैकिश बॉडी उनको दिखाई देने लगी. अ मीटर अबव द वेव्स, यानी पानी के ऊपर एक मीटर उसका बॉडी का पार्ट हमको दिखाई दे रहा था. क्विवरिंग वायलेंटली, क्विवरिंग मतलब शिवर हो रही थी, वो शेक हो रही थी वायलेंटली, एकदम बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी. एंड इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट, और उसका जो टेल है, टेल एंड, उससे बहुत ज़्यादा करंट क्रिएट हो रहे थे पानी में. द क्र्यू वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर, और क्र्यू जो है वो इम्पेशेंटली, है ना, जो पेशेंस नहीं है कि कब अटैक करे कब अटैक करे, सब लोग ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे. एंड द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड्स द एनिमल. एंड द लेटर मतलब हम यहाँ पे कमांडर की बात करते हैं, क्योंकि कमांडर ही ऑर्डर देगा ना उनको. तो कमांडर फेरागट जो है उसका ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे, और फेरागट ने पहले केयरफुली ऑब्जर्व किया एनिमल को और फिर ऑर्डर किया इंजीनियर को कि फुल स्पीड से एनिमल की तरफ लेके जाओ. थ्री चीयर्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर, द आर ऑफ द बैटल हैड साउंडेड, और सब लोग जैसे मानो एकदम खुश हो गए कि ये अब हम लड़ाई करने वाले हैं, और जैसे सब लोग रेडी थे बैटल के लिए. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल, मतलब और कुछ ही क्षणों में अब्राहम लिंकन जो है उनका फ्रिगेट जो है एनिमल के तरफ भागा. अनकंसर्न्ड द लेटर लेट अस कम नियरर, इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड एंड केप्ट इट्स डिस्टेंस. लेकिन उस एनिमल को तो कुछ पड़ी नहीं थी, उसने तो वो आराम कर रहा था, उधर ही बैठा था, और हम लोगों को पास में आने दिया उसने. लेकिन जैसे ही लगा कि हम काफ़ी कुछ पास पहुंच गए हैं, तब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो आगे बढ़ा, और उसने अपना डिस्टेंस जो है हमसे मेंटेन रखा, मतलब हमको एकदम पास में भी आने नहीं दिया और ना एकदम दूर रहा हमसे, तो एकदम अपना डिस्टेंस उसने मेंटेन रखा. जैसे ही हमारी अब्राहम लिंकन उसके पास पहुंचती है, वो थोड़ा सा स्पीड अप करके आगे चला जाता था और रुक जाता था. दिस चेस ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट 3/4 ऑफ एन आवर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल. एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट. तो ये जो चेस था पीछा करना एनिमल का, तो ये चेस जो चला करीब 3/4, 3/4 मतलब 45 minutes, 1/4 मीन्स 15 minutes एंड 3/4 मीन्स 45 minutes ऑफ एन आवर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल. और नतीजा ये हुआ कि फ्रिगेट जो है बिल्कुल भी उस एनिमल के पास में नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जब भी फ्रिगेट जाता था एनिमल के पास में, वह एनिमल उससे दूर चला जाता था. एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट. और इस तरीके से तो ये ऑब्वियस था कि हम कभी भी एनिमल को पकड़ नहीं पाएंगे. द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल. दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर. द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मास्ट्स ट्रेम्बल्ड डाउन टू देयर ब्लॉक्स. अभी अब्राहम लिंकन जैसे ही स्पीड ले रहा है, एनिमल भी स्पीड अपनी बढ़ा रहा है. तो ऐसा जो है करीब करीब एक घंटा और चला आगे का, नेक्स्ट एक घंटा और चला. अब अब्राहम लिंकन इतना स्पीड कर रहा था, इतने स्पीड से जा रहा था कि उसके स्पीड के वजह से उसके जो मास्ट्स थे, मास्ट यानी कि जो पोल लगे रहते हैं, टॉल पोल्स शिप में कपड़ा लगाने के लिए स्पेशली, वो ट्रेम्बल होने लगे, वो एकदम हिलने लगे और गिरने लगे. वॉट अ चेज, नो आई कांट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट शुक माई वेरी बींग. तो अब ये एरोनॉटिक्स कहते हैं कि क्या चेज था वो, क्या पीछा किया हमने, और ये एक्साइटमेंट तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पूरा हम लोगों को हिला के रख दिया था. नेड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट हार्पून इन हैंड. नेड लैंड ने तो अपना पोस्ट छोड़ा ही नहीं, वो तो अपने पोस्ट पे ही था और हार्पून उसके हाथ में था कि जैसे ही मौका मिले हार्पून फेंकेगा. सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच, देन जस्ट एज द हार्पूनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द सेटेशियन वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली. कई बार एनिमल ने हमको उसके पास में आने दिया, फिर जैसे ही हार्पूनर अपना एम लेता है उसको मारने के लिए, वैसे ही वो वापस से भाग जाता है फटाक से. कमांडर फेरागट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड्स. तो कमांडर फेरागट ने अब क्या किया, अब वो बोला कि अब हम पीछा नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट मेथड्स यूज करेंगे.
Bah, he said. So that animal is faster than the Abraham Lincoln. तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था, तो उसने बोला, ओ तो ये एनिमल अब्राहम लिंकन से भी फास्ट है. ऑल राइट मेट, मैन द गन इन द बो. तो ऑल राइट मेट, मेट मतलब वो जो फेलोज उसके साथ में जो है उन सब के लिए कह रहे हैं. मैन द गन इन द बो, जो गन है अभी लोड करो. किस में लोड करना है? कैनन में. बो मीन्स कैनन. आर फोर कासल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड. फोर कासल यानी कि शिप के आगे का हिस्सा, वहाँ पर कैनन तोप जिसे हम कह सकते हैं, कैनन मतलब तोप जिससे हम नीचे से मिसाइल छोड़ेंगे, तो वो कैनन लोड किया गया. इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड द कैनोनियर फायर्ड अ शॉट. और जो कैनोनियर था, जो कैनन चलाने वाला था, उसने एक शॉट फायर किया. बट जो उसने फायर किया उसकी शेल जो है इट पास्ड सम फीट अबाउ द सिटेशियन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ. मतलब जस्ट आधा दूर वो सिटेशियन दूर था, फिर भी वो एम नहीं ले पाया और वो बुलेट जो है उसके आधा कुछ फीट ऊपर से होके गुजर गई. ओवर टू समबडी विद बेटर एम द कमांडर शाउटेड एंड डॉलर 500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इनफर्नल बीस्ट. तो अब ये कहता है कमांडर कि कोई दूसरा आओ यहाँ पे जो एक बेटर एम ले सकता है. और चिल्ला के उन्होंने कहा कि मैं डॉलर 500 उस आदमी को दूंगा जो आदमी इस इन्फर्नल बीस्ट को पियर्स टुकड़े टुकड़े कर सके, इस इन्फर्नल बीस्ट का टुकड़ा कर सके. इन्फर्नल मीन्स इरिटेटिंग एंड टायरसम. जो इरिटेट कर रहा है और थका रहा है उसका मतलब होता है इन्फर्नल. काम ऑफ आई एंड कूल ऑफ फीचर एन ओल्ड ग्रे बियर्डेड गनर आई कैन सी हिम टू दिस डे अप्रोच द कैनन put it in position and took aim for a good while. There was a mighty explosion mingled with cheers from the crew. अब calm of the eye, cool of features, मतलब एकदम शांत स्वभाव का एक बूढ़ा आदमी, old grey bearded gunner, बूढ़ा आदमी जिसके दाढ़ी थी वो आया, सफ़ेद दाढ़ी वाला, वो एक गनर था. तो उसने कहा कि I can see him to this day, मैं देख लूँगा उसको आज. और वो कैनन के प्लेस में आया, उसको पोजीशन में लिया और थोड़े टाइम तक उसने अपना निशाना साधा, एम किया ऊपर नीचे आजू बाजू लेके ऐसा. एंड देयर वाज अ माइटी एक्सप्लोशन, जैसे ही उसने लोड किया कैनन एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ. मिंगल्ड विथ चीयर्स फ्रॉम द क्र्यू, और ऐसे लगा मानो जैसे उन्होंने जंग जीत ली हो और सारे के सारे क्र्यू मेंबर्स जो है खुशी के मारे चिल्लाने लगे हे. अब द शेल रीच्ड इट्स टारगेट, क्योंकि शेल जो है टारगेट पे पहुंच गया था, उसने जो भी एनिमल था उसको लगा था. इट हिट द एनिमल बट बाउंस्ड ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश्ड इनटू द सी 2 miles आउट. लेकिन वहाँ पर हिट होकर वो गोली जो है वापस से बाउंस हो गई और 2 miles दूर कहीं चली गई. यानी कि एनिमल को गोली ज़रूर लगी है लेकिन एनिमल इससे मरा नहीं है. ओ ड्रेट, सेड द ओल्ड गनर इन हिज एंगर, दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट. बोला ओ ड्रैट, जैसे कोई आप ये ड्रैट, ड्रैट जो है एक एक्सप्रेशन है कि दुख का एक्सप्रेशन है, ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनॉयंस और इरिटेशन. जैसे कि आप चिढ़ गए हो, कोई चीज़ आपने लेने की कोशिश, करने की कोशिश की और आपसे वो नहीं हुआ हो, चिढ़ना, एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट. तो वो गनर ने कहा ओ ड्रैट दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट. मतलब वो मॉन्स्टर का ज़रूर उसने कोई आर्मर प्लेट पहना होगा. आर्मर प्लेट मीन्स वॉट? अभी हम देखते हैं सोल्जर्स भी लड़ाई पे जाते हैं तो वो सामने कुछ ऐसा आर्मर जैसा प्रोटेक्शन के लिए एक पहनावा रहता है उनका, राइट? बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हम कहते हैं नॉर्मली आज के तारीख में, जो मॉडर्न है. बट पुराने जो है वॉर्स में जब जाते थे एक्चुअल में तो उनके कुछ मेटल का बना हुआ रहता था वो कवरिंग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये बोलता है कि वो मॉन्स्टर को भी एक ऐसा ही आर्मर प्लेट है जो कि 6-inch बड़ा है, मोटा है, वो शायद है इसीलिए उसे लगा नहीं. द हंट वॉज ऑन अगेन, अब वापस से हंट चालू हो गया. आर आफ्टर आर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ वियरीनेस. अब घंटे दर घंटे बीत गए और ये एनिमल जो है बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा है. हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली. भले एनिमल नहीं थका हुआ लग रहा है लेकिन ये बोलना ज़रूरी है कि हम सब भी टायरलेसली उसके पीछे भाग रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. नाउ एट 10:50 इन द इवनिंग दैट इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर 3 miles अवे फ्रॉम द फ्रिगेट जस्ट एज क्लियर एंड इंटेंस एज द नाइट बिफोर.
अब रात को 10:50 बजे वापस से वो इलेक्ट्रिक लाइट वापस से ग्लो हो गई, और जस्ट 3 माइल्स दूर था ये फ्रिगेट हमसे, और ये एकदम क्लियर था और एकदम इंटेंस था ये लाइट, जैसे कि पिछली रात को था, उतना फास्ट, उतना ये तेज था ये लाइट उस मॉन्स्टर का। सो द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस। अब वो मॉन्स्टर जैसे मानो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, एकदम मोशनलेस है, स्टिल है पानी में। वॉज इट अस्लीप परहैप्स, वेयरी फ्रॉम इट्स वर्क डे, जस्ट राइडिंग विद द वेव्स। तो हम यही सोच रहे थे, क्या वो सोया हुआ है? शायद वो भी दिन भर के भाग दौड़ से थक गया होगा, तो ऐसे ही वेव्स के साथ में ही ऊपर नीचे हो रहा था वो भी। सो दिस वॉज आवर चांस, अब ये हमारा मौका था। एंड कमांडर फेरेगट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और कमांडर फेरेगट ने इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। ही गेव हिज ऑर्डर्स, उसने अपने ऑर्डर्स दिए। तो फ्रिगेट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड, तो फ्रिगेट जो है बिना आवाज़ किए आगे बढ़ा। स्टॉप्ड 2 केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल, सिर्फ 2 केबल लेंथ की दूरी पर वो रुक गया। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केबल लेंथ? केबल लेंथ नॉर्मली केबल लेंथ का है ये एक अराउंड 169 to 220 meters के बीच का दूरी होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड यूज्ड। 100 फैथम भी कह सकते हैं हम, या 1/10 ऑफ अ नॉटिकल माइल भी कह सकते हैं, या केबल लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ अ शिप्स केबल, अबाउट 600 फीट। सो अलग अलग मेजर्स हम यूज़ करते हैं, तो केबल लेंथ कई हो सकते हैं। तो आप इतना समझ लो कि केबल लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप समझ लो। सो 2 केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल पे जाके वो फ्रिगेट रुक गया। अ प्रोफाउंड साइलेंस रेंड ओवर द डेक, पूरा डेक पे एकदम शांति पसर गई थी, पूरे सब लोग शांत थे, चुप थे एकदम। वी वर नॉट 100 फीट फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट हुज ग्लो ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड डेजल द आइज, मतलब ये लोग 100 फीट की दूरी भी नहीं थी अभी इन दोनों के बीच में, और ये जो एनिमल था वो और ज़्यादा ग्लो होने लग गया था, और उसका ग्लो जो है स्ट्रॉन्ग होने लग गया था, जैसे मानो वो चमक रहा हो और हमारी आंखें उसको देख नहीं पा रही है। सो दिस यू कैन सी, यहाँ पे शिप पीछे मास्ट है ना, जो लंबे लंबे वाइट कपड़ा देखो दिख रहा है, दैट इज़ अ मास्ट, ओके। और ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पास में जो हमें दिखाई दे रहा है वाइट डॉट्स वेव्स के ऊपर, दिस इज द सबमरीन, द एनिमल विच दे थिंक। सो जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोरकासल रेलिंग आई सॉ नेड लैंड बिलो मी ब्रैंडिशिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून, बेयरली 20 फीट सेपरेटेड हिम फ्रॉम द मोशनलेस एनिमल। तो जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोरकासल रेलिंग, तो मतलब ये लोग थोड़ा ऊपर के डेक के तरफ थे, और ऊपर के डेक से जब उसने नीचे देखा तो वहाँ पर उसको नेडलैंड दिखा, जो अपना हार्पून को वापस से धार दे रहा था, ब्रैंडिशिंग राइट, एंड बेयरली 20 फीट सेपरेटेड फ्रॉम हिम एंड द मोशनलेस एनिमल, और उसके और उस एनिमल के बीच में अब सिर्फ 20 फीट की दूरी बची थी। ऑल एट वंस हिज आर्म शॉट फॉरवर्ड एंड द हार्पून वॉज लॉन्च्ड, और ऑल एट वंस एकदम से उसने अपना हाथ उठाया और उस हार्पून को लॉन्च कर दिया। आई हर्ड द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस, और मैंने सुना कि वो जो वेपन था उसने एक रिंगिंग साउंड क्रिएट किया एज इफ कुछ हार्ड मेटल को वो वेपन लग गया है। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट, अचानक से उसकी इलेक्ट्रिक लाइट एनिमल की चली गई, एंड 2 enormous वाटर स्पाउट्स क्रैश्ड ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट, और 2 बड़े बड़े वाटर स्पाउट्स जो है हमारे डेक के ऊपर गिरे, एक कोने से शुरू होते होते दूसरे कोने तक गिरे, इस तरीके से गिरा जैसे कोई टोरेंट है ना, 1 end टू ऑफ द शिप टू द अदर एंड, जैसे एक कोने से गिरते हुए चलते हुए आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे कोने पे गिर रहे हैं, टॉपलिंग क्रूमैन, जैसे सारे क्रूमैन जो हैं यहाँ वहाँ लुढ़क रहे थे, ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट, जो हमारे स्पेयर मास्ट थे जो एक्स्ट्रा के लिए हम रखते हैं वो भी सब तोड़ दिया, एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम द लैशिंग्स, और जो यार्ड आर्म्स थे वो भी सब तोड़ दिया, मतलब जो भी शिप में लगे हुए थे साइड साइड में वो सब भी इन्होंने तोड़ दिया। अ हाइडियस कोलाइशन ओकर्ड, बहुत ही अगली सा कोलाइशन हुआ हमारे बीच में, एंड थ्रोन ओवर द रेल विद नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट, मतलब ये जो वाटर स्पाउट हमारे डेक पे गिरा, मतलब लगा तो एनिमल को है लेकिन वो एनिमल एक्चुअली एनिमल नहीं था, वो एक फ्रिगेट था जिसके टूटने से या जिसके छलांग लगाने से सारा का सारा पानी जो है हमारे शिप के ऊपर आ गया, हमारे फ्रिगेट के ऊपर आ गया, जिससे हमारा फ्रिगेट जो है पूरी तरह से टूट गया।
A hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it. I was hurled into the sea. और हमारा शिप जो है फ्रिगेट पूरा का पूरा टूट गया और बिल्कुल मौका नहीं मिला कि कुछ चीज पकड़ सके या कुछ कर सके. आई वॉज हर्ल्ड इन टू द सी और मैं पूरी तरह से सी में था. तो ये जो लास्ट में हमें पता चलता है कि वो जो है एनिमल नहीं था, वो एक फ्रिगेट था, सॉरी सबमरीन था, और सबमरीन को उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी जिसके कारण उनकी खुद की फ्रिगेट जो है पूरी तरीके से टूट गई. तो अब मैं करूँगी इसके आपके साथ क्वेश्चन आंसर. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर्स एग्जैक्टली जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे नहीं है. यहाँ पे मैंने पैसेजेस फॉर्म में दिए हुए हैं. जैसे रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइन 1 to 41 ऑन पेज 43 एंड 44 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इनमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आपके टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं. तो लेट अस गो अहेड. तो डू एज डायरेक्टेड में गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रिगेट. फ्रिगेट का मतलब है स्मॉल स्पीडी शिप यूज इन वॉर्स. Find all the words ending with the suffix less from the extract. So you have motionless, emotionless. From the extract, find all the words and phrases used to describe the monster. Monster के लिए क्या क्या words use किए हैं. Unearthly animal, fearsome creature, unknown creature, a huge glowworm, cetacean, whale. True or false? Commander Farragut wanted to attack the unknown creature in the darkness. इट इज़ फॉल्स. डार्कनेस में मना कर दिया था ना उन्होंने. द होल क्रू स्टेड अपॉन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग. सो दिस इज ट्रू. द फ्रिगेट वॉज एबल टू कम्पीट विद द मॉन्स्टर स्पीड. दिस इज फॉल्स. ये सब तो आंसर्स हम क्योंकि हमने लेसन पढ़ा है अभी तो हम ऐसे भी दे सकते हैं. वॉट इज द नेम ऑफ द नरेटर. ये हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं मार्जिन के. द नेम ऑफ द नरेटर इज प्रोफेसर एरोनेक्स. What is the name of the ship? The name of the ship is Abraham Lincoln. At what time is the event of the hissing sound and reappearance of the monster taking place? The event is taking place at 12:53 AM. तो ये first extract से ये सारे questions थे. अब second extract में आ जाते हैं. Near 2 o'clock से लेके would steal off swiftly. That is from line 42 to line 88 on page number 44 and 45. Give the meaning of the word harpooner from the extract. Harpooner का मतलब क्या होता है. The one who operates the harpoon or the missile attached to a rope. Find all the words and phrases from the extract that are related to battle. Battle से related सारे words बताने हैं. On the alert, blunderbusses, harpoons, duck guns, exploding bullets, wound, kill, sharpen, dreadful. Weapon, strike. Now from the extract find all the words and phrases used to describe the monster. तो इस पैसेज में मॉन्स्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुए हैं वर्ड्स. अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी, द सी एनिमल, cetacean. Now meanings. Blunderbusses, old fashioned guns with a large barrel. Then duck guns, a gun with a long barrel. Harpoon, a missile attached to a rope. Now use the picture on page 48 of your textbook and give the meaning of astern to port. Astern to port means along the left horizontal side of a ship stretching from the front to its rear end. What order did the leader give to the engineer? After carefully observing the animal, the leader ordered the engineer to sail full steam in its order, in its direction. What attempts did the ship make to defeat the monster? Find and copy lines from the extract describing at least 2 of the attempts. So, the ship headed straight for the animal in full speed. The chase continued for a long time without the frigate getting any closer to the sea animal. The ship was speeding so much that its masts trembled down to their blocks. The lines from the extract that describe these attempts are: ordered the engineer to sail full steam towards the animal. This chase dragged on for about 3/4 of an hour. Next extract hai, line 89 se leke 142 tak on page number 45, 46 and 47, yani end tak, Commander Farragut se leke into the sea tak. Give the meaning of the word cannoneer from the extract. So, a person who fires cannon, which is a large powerful gun that shoots heavy metal balls.
there was a mighty explosion mingled with cheers from the crew. Fill in the blanks. Tha. From the extract, find all the words and phrases used to describe the monster. So you have animal, cetacean, infernal beast, monster, motionless animal. Give the meaning of the following words. Enormous. Enormous is something big in size. And hideous is very ugly. Describe the cannoneer who actually hit the monster. The cannoneer who actually hit the monster had calm eyes, cool features, and an old gray beard. How did the battle between the ship and the monster end? Find and copy the lines where you find the answer to this question. So, when Ned Land launched the harpoon, the weapon made a ringing sound as if it had hit some hard surface. Thereafter, the electric light went out and two huge water spouts crashed onto the deck of the frigate. As a result, the crew members lost their balance and the narrator was thrown into the sea. It broke the spare masts and yard arms. The following lines shows the battle between the ship and the monster. I heard the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance. Two enormous water spouts crashed onto the deck, toppling crewmen, breaking spare masts and yardarms. I was hurled into the sea. Guess what order the commander must have given? The commander must have given the order to launch the harpoon. What exactly is the monster? The monster is in fact a submarine. How long does the whole event described in the text take? Work it out by reading the text chasing the sea monster. So the whole event takes place in about 24 hours. The unearthly animal appeared before 12:53 a.m. and the battle ended after 10:50 p.m. अब ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस है. आंसर्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं. यार्ड का ई है. अ पोल स्लंग अक्रॉस अ शिप्स मास्ट्स. अ सेल हैंग्स फ्रॉम अ यार्ड दैट यू कैन सो. सेकंड का डी है मास्ट. मास्ट इज टॉल अपराइट पोल ऑन अ शिप. बो. थर्ड का बी है द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ अ शिप. डेक. फोर्थ वन इज डेक. डेक का ए है अ फ्लोर फ्लैट एरिया बिल्ट ऑन द शिप. देन फिफ्थ वन फोकैसल. फोकैसल का सी है द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक. देन स्टार बोर्ड. सिक्स्थ वन स्टार बोर्ड का एच है द राइट हैंड साइड ऑफ अ शिप एज ऑन वन फेसेस फॉरवर्ड. स्टर्न. सेवेंथ वन स्टर्न का एफ है द रियर मोस्ट बैक पार्ट ऑफ अ शिप. आफ्टर डेक. एट्थ वन का आई है एन ओपन डेक नियर द बैक. फोर का नाइन्थ का जी है द पार्ट विच इज ऑलवेज एट द फ्रंट वाइल द शिप इज सेलिंग. अब ये फॉर्म ग्रुप्स ऑफ फोर हैं. फाइंड ऑल द रेफरेंसेस टू टाइम गिवन इन द पैसेज. देन मेक अ चार्ट टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज अलॉन्ग विद द टाइम व्हेन दे ऑकर. एग्जाम्पल दिया है ऑल नाइट लॉन्ग द क्रू स्टेड ऑन देयर फीट. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. फिर नियर मिड नाइट एट 12:53 और ऐसे आपको बाकी के टाइम देने हैं और उनके बारे में लिखना है. तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं. ऑल नाइट लॉन्ग मीन्स द क्रू स्टेड ऑन देयर फीट. वो है नियर मिडनाइट द मॉन्स्टर डिसअपियर्ड. एट 12:53 अ डेफनिंग हिस कुड बी हर्ड. नियर 2 o'clock द कोर लाइट रीअपियर्ड. अंटिल डे लाइट द क्रू स्टेड ऑन अलर्ट. एट 6 o'clock द डे बिगैन टू ब्रेक. With dawn's early light, the animal's electric glow disappeared. At 7 o'clock, a very dense morning mist spread around the warship. At 8 o'clock, the mist rolled away. A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the animal. 3/4 of an hour, the chase dragged on without the frigate getting any closer to the sea animal. At 10:50 in the evening, the electric light reappeared 3 miles away from the frigates. Okay, find the different units of measurement mentioned in the passage and get more information about them from the internet. So these are the words mile, hour, meter, moment, quarter of an hour, feet, inch. What do they mean? Mile. Mile is a unit of measurement which is equal to 1760 yards. Hour. Hour is a period of time equal to 24th part of a day. Moment, a very brief period of time. Quarter of an hour, 1/4 of an hour,
feet, plural of the foot. One foot is equal to 12 inches. The last answer, you have to visit your school library or use internet to find other stories or writings that are related to sea voyages. So stories and writings related to sea voyages or long travels by sea are full of adventures and instances of struggles with weird animals and pirates. Here is a list you can see. First one is The Rime of Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. This long poem by Coleridge tells the tale of the killing of albatross by the mariner. The Old Man and the Sea, it's written by Ernest Hemingway. The short novel describes the struggle of an old fisherman with marlin, a huge fish. Then The Open Boat by Stephen Crane. This short story is based on the writer's personal experience. He had survived a shipwreck near the coast of Florida. Sinbad the Sailor, a story from 1001 Arabian Nights. It is a story of a sailor who travels to different places and fights with monsters. These are some of the books. There are many. You can use these points for reference, or else you can go for others also. So with this, we end our chapter's explanation. I hope you enjoyed this. And next time we will surely come with the next chapter. Till then, thank you. Take care.